बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलीम खान मेरा नाम है। मैं NA1 का कैंडिडेट हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे चतराल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी दो दफ़ा मैं MP रह चुका हूँ, एक दफ़ा प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रहा हूँ। मेरी अभी यह है कि खासकर तालीम के हवाले से मेरी कोशिश पहले भी रहा है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, खासकर जो गर्ल्स प्राइमरी गर्ल्स स्कूल गर्ल्स एजुकेशन के लिए मैंने चतराल के अंदर सबसे ज़्यादा काम मैंने किया है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज मैंने कायम किया है, 4 हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स मैंने इस्टेब्लिश किया है और उसके साथ साथ कोई 10 से ज़्यादा गर्ल्स हाई स्कूल मैंने मुख्तलिफ जगहों में अपने हल्के के अंदर कायम किया है। और उसके साथ साथ मैंने यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस चतराल में लेकर आया है इससे पहले, और अभी यूनिवर्सिटी और चतराल के नाम से एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी जो है चतराल में बनाने का इरादा मेरा है। इंशाल्लाह अगर मैं कामयाब रहा तो फेडरल गवर्नमेंट से इंशाल्लाह यहाँ पे चतराल में एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी में बनाऊंगा, उसमें सारे डिपार्टमेंट जो है काम करेंगे, यही मेरी ख्वाहिश है। हाँ साहब, जिस तरह आपने बताया कि आप ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा में 2 दफ़ा पोजीशन में रहे हैं, एक दफ़ा मिनिस्टर भी रह चुके हैं, दूसरी दफ़ा भी आप MPA रह चुके हैं, मेंबर नेशनल असेंबली, तो अभी आप कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे हमें जो एजुकेशन के हवाले से हमें जो चाहिए है, बजट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट 10% भी अगर बजट इंक्रीज़ होता है, इससे जो हम चाह रहे हैं कि जो मिसिंग फैसिलिटीज़ है, वाशरूम्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं, स्कूलों में बाउंड्री वॉल्स नहीं है, टीचर्स की कमी है, अगर एक प्राइमरी स्कूल में 2 होंगे, 6 क्लासेस होंगे, 2 कमरे होंगे, तो क्वालिटी एजुकेशन को डिलीवर करना ये नामुमकिन होगी। तो जो मॉडल बना हुआ है अभी कैबिनेट गवर्नमेंट में आपके मौजूदगी में, तो इस मॉडल को जो है इंप्लीमेंट करने के लिए आप नेशनल असेंबली के सतह पर आप क्या एहतमाद उठाएंगे, आपकी पॉलिसी क्या होगा चित्राल के हवाले से? जी, खासकर जो एजुकेशन सेक्टर है ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इससे पहले भी हम एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी काम कर चुके हैं। इस वक्त प्राइमरी स्कूल का जो नया मॉडल आया है, 6 क्लासरूम के ऊपर एक प्राइमरी स्कूल बन रहा है, तो इस मॉडल को प्रमोट करना है, इसको आगे लेके जाना है। एजुकेशन के हवाले से जो फेडरल जो वफाकी हुकूमत है वो हायर एजुकेशन के हवाले से फंडिंग करता है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जो यूनिवर्सिटी बनानी है चतराल के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ चतराल, इसके लिए इंशाल्लाह मैं भरपूर फंडिंग करूँगा और इसके जो डिपार्टमेंट बनाने हैं वो बनाएंगे। और दूसरी बात ये कि मेरे साथ जो मेरा जो दूसरा कैंडिडेट है प्रोविंशियल असम्बली का, हम मिल के प्रोविंशियल लेवल में भी गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने की भरपूर हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।